सीबीगंज क्षेत्र में नगर निगम कूड़ा उठाने पहुंची टीम ने सुविधा शुल्क के रूप में शिवनगर कॉलोनी में प्रति घर से 100 रुपए की मांग की, जिससे वहां के लोग भड़क गए। जब उन लोगों से रसीद देने की बात की तो मशीन खराब होने की बात कहकर चले गए। उसके बाद वहां कई परिवारों से 100 रुपए लेकर कूड़े उठाने वाली टीम वहां से पता बोले राहुल कितने रूपए ले रहे हैं यहाँ पर? शहर में 50 रुपए जा रहे हैं, 100 रुपए क्यों जा रहा है? ऐसी क्या खास बात है कि ये देहात क्षेत्र यहाँ सब आता है, यहाँ केवल कूड़ा उठ रहा है और उस पर आप लोग 50 रुपए की 100 रुपए ले रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सिंहनगर कॉलोनी सीबीगंज बरेली से हूँ। हमारे वार्ड में नगर निगम के द्वारा अवैध तरीके से 100 रुपए की वसूली प्रतिमा हो रही है कूड़ा कलेक्शन के नाम पर। रंजीत जाने जाएंगे भैया, कूड़े वाला आया था तो कितने रुपए की डिमांड पैसे मांग रहे थे? 100 रुपया। अच्छा, स्लिप वगैरह कुछ देने को कह रहे थे? नहीं कह रहे, मशीन खराब है, स्लिप नहीं मिल रही है। कब से कूड़े लेने आ रहे हैं हम लोग? ये कम से 4-5 महीने से आ रहे हैं। 100 रुपए महीना बता रहे हैं? 2-3 महीने तो हो गए कम से कम। 100 रुपए बता रहे थे। स्लिप वगैरह आपको कुछ देने को नहीं? कुछ नहीं दे रहे, कह रहे मशीन खराब है, कुछ नहीं मिलेगी। नाली सफाई होती है? नहीं, कुछ नहीं होती सफाई, भाई कुछ नहीं, खाली कूड़ा लेने आते हैं, जो सफाई करता हम दूसरे उसे देते हैं अलग से पैसे, उस और अलग से मांगता है सफाई, प्राइवेट कर सफाई कराते हैं।